एक बार फिर स्वागत है आपका। इस वीडियो के द्वारा बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। विश्वकर्मा जयंती के उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री आज पीएम विश्वकर्मा योजना लॉन्च करने वाले हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। दर्जी, नाई, कारीगर, मोची, लोहार, सुतार, कुम्हार, धोबी, शिल्पकार, बुनकर, सोनार, इस तरह से टोटल 18 कैटेगरी है जिनको इसका फायदा मिलने वाला है। क्या क्या फायदा मिलने वाला है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, किस तरह से फॉर्म भराने वाला है, आइए हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं। तो दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा योजना जो है वो आज लॉन्च कर दी जाएंगी शाम को 5 बजे। विश्वकर्मा जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज यानी रविवार को पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़ी योजना है। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है, इस दौरान देश में कई कार्यक्रमों का आयोजन भी हो रहा है। इसी मौके पर सरकार पीएम विश्वकर्मा योजना का तोहफा देने जा रही है। बता दें कि पीएम विश्वकर्मा योजना 2023 में केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष के बजट सत्र में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। इस योजना के बारे में इस साल स्वतंत्रता दिवस पर भी पीएम मोदी द्वारा ऐलान किया गया था। इस योजना में सरकार द्वारा 13,000 करोड़ रुपये खर्च करेंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा इसका बजट तय किया गया है 13,000 करोड़ रुपए का। इस योजना के लाभार्थी को एडवांस ट्रेनिंग भी दी जाएंगी। अब किन किन लोगों को इसका फायदा मिलने वाला है इसकी बात कर लेते हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना का फायदा लोहार, ताला बनाने वाले, कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, पारंपरिक गुड़िया और खिलौने बनाने वाले, नाई, माला बनाने वाले, धोबी, दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया और चटाई बनाने वाले, झाड़ू बनाने वाले, इस तरह से टोटल 18 पारंपरिक व्यवसाय को शामिल किया गया है। भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करना इस योजना का मकसद रहने वाला है। अब कितने लोग आवेदन कर सकते हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस योजना में परिवार का केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है, यानी कि आपके राशन कार्ड में जितने लोगों के नाम लिखे हैं उनमें से केवल एक सदस्य ही आवेदन कर सकता है। कारीगरों को आत्मनिर्भर बना करने के लिए सरकार 3 लाख रुपए तक का एक बड़ा लोन भी इसमें देने का प्रस्ताव सरकार द्वारा दिया गया है। यह लोन 2 किस्त में दिया जाएगा। इस योजना के जो भी लाभार्थी होंगे उन्हें सरकार द्वारा सर्टिफिकेट और आईडी भी मिलने वाला है। अब आपको मैं एक एक करके बताना चाहूँगा कि 18 पारंपरिक व्यवसाय कौन कौन से है जो कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मिलाकर कारीगर रहेंगे, उनको ये सहायता दी जाएगी। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ई है, लोहार है यानी कि लोहे का काम करने वाले, वेल्डिंग वगैरह काम करने वाले, सुनार लोग, राजमिस्त्री, नाई, मालाकार, धोबी, दर्जी, ताला बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, अस्त्रकार, मूर्ति काम करने वाले, मूर्तिकार या पत्थर तराशने वाले, पत्थर तोड़ने वाले, मोची या जूता बनाने वाले कारीगर, नाव निर्माता, नाव बनाने वाले, टोकरी, चटाई या झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता, हथौड़ा और टूल किट बनाने वाले और फिशिंग नेट बनाने वाले। तो इस तरह से इन 18 तरह की कैटेगरी को इसके अंदर लिया गया है। 18 पारंपरिक उद्योग है जो कि विश्वकर्मा कैटेगरी में आते हैं। तो इन इस प्रकार के जितने लोग हैं वे सभी आवेदन कर सकते हैं। और ये है योजना के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य। पीएम विश्वकर्मा योजना का उद्देश्य पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देना और भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। इस योजना से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को अपने कौशल को विकसित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। तो जितने भी हुनरमंद लोग हैं, ये सभी कैटेगरी अलग अलग हुनर है लोगों के अंदर, तो इनके हुनर को बढ़ावा देने के लिए और इनके हुनर को निखारने के लिए सरकार द्वारा आर्थिक मदद दी जाएगी। यह योजना पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देंगी और उन्हें आधुनिक युग के अनुकूल बनाएंगी ट्रेनिंग देकर। यह योजना भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाएंगी। यदि उन्हें ट्रेनिंग मिलेंगी तो वे अपना काम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके करेंगे, जिससे कि उनको रोजगार मिलने में आसानी होगी और रोजगार के अवसर बढ़ जाएंगे और आर्थिक विकास को बढ़ावा देंगी। ये योजना विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद करेंगी। ये योजना गुरु शिष्य परंपरा को संरक्षण और विकास प्रदान करेंगी।
पीएम विश्वकर्मा योजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पारंपरिक शिल्प कौशल को बढ़ावा देने और भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखती है। अब जान लेते हैं योजना में मिलेंगे ये फायदे, क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। तो योजना के इसरो कई फायदे हैं, इसमें प्रमुख फायदे ये है कि इसमें पीएम विश्वकर्मा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। जितने लोग इस फॉर्म को भरेंगे और भरने के बाद वे क्वालिफाई होंगे, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट और एक आईडी कार्ड दिया जाएगा और बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग से जुड़े स्किल उनको अपग्रेड किए जाएंगे। यानी क्या 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 टेक्नोलॉजी चल रही है इसी टेक्नोलॉजी उन्हें सिखाई जाएंगी। उसके बाद 15,000 रुपये का टूल किट प्रोत्साहन दिया जाएगा। अभी उन्हें अपना काम शुरू करने के लिए 15,000 रुपये का टूल किट दिया जाएगा और 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए का पहली किस्त में लोन मिलेगा और फिर 3 लाख रुपए का दूसरी किस्त में लोन मिलेगा। ये जो लोन है, यहाँ पर लोन जो मिलने वाला है 5% सालाना ब्याज के हिसाब से मिलने वाला है। आपको वार्षिक ब्याज जो है इसका 5% अदा करना है और उसके अंदर भी आपको 7% की सब्सिडी मिलेगी। तो एक बेहतरीन कदम है, 1 लाख रुपए का पहले लोन आपको मिलेगा और 1 लाख रुपए का जो लोन मिलेगा आपको वो जो रहेगा आपको लगभग 18 महीने के अंदर उसको आपको जमा करना है। फिर से आप जब उसको 18 महीनों के अंदर आप जमा कर दोगे 5% की ब्याज दर से, तो आपको 60% की उसके अंदर किस्त मिलेंगी। तो आपको 18 महीनों के अंदर आपको पहला लोन क्लियर कर देना, उसके बाद आपको दूसरा लोन मिलेगा 3 लाख रुपए का जो कि आपको 36 महीनों के अंदर रिटर्न करना है। यदि आप इस तरह से रिटर्न कर देते हो तो फिर आपको 60% की सब्सिडी आपको मिल जाएगी। और यदि आप डिजिटल ट्रांजेक्शन को बढ़ावा देने के लिए अपने जो भी आउटलेट से उनके अंदर यदि आप डिजिटल लेन देन करते हो तो वहाँ पर भी आपको प्रत्येक ट्रांजेक्शन 1 रुपया प्रोत्साहन राशि मिलने वाली है। और जब आप ट्रेनिंग लोगे तो जितनी लंबी ट्रेनिंग चलने वाली है तो 500 रुपये रोज के हिसाब से, 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको स्टाइपेंड भी मिलने वाला है। तो हम ये बात कर चुके हैं कि आपको क्या क्या फायदा मिल रहा है। 15,000 रुपये का टूल किट मिलेगा, 3 लाख रुपये तक का लोन मिलेगा, पहले 1 लाख रुपये का लोन मिलेगा और उसके बाद 3 लाख रुपये का लोन मिलेगा, 5% के ब्याज दर पे सालाना ब्याज दर रहेगी। इसमें आपको 18 किस्त रहेगी, 1 लाख रुपये के अंदर 18 किस्तों के अंदर आपको इस लोन को चुकाना है। यदि आप चुका देते हो 18 महीनों के अंदर तो फिर आपको फिर एक लोन मिलेगा जो कि 3 लाख रुपये का मिलेगा और उसको आपको 36 किस्तों में देना है। उसके बाद आपको 60% की सब्सिडी मिलेगी और उसके साथ साथ ही आपको जब आप ट्रेनिंग करोगे तो स्किल ट्रेनिंग के साथ साथ आपको ट्रेनिंग तो मिलना ही मिलना है, लेकिन 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से आपको स्टाइफंड मिलेगा। तो 500 रुपये आप यदि आप 3 4 महीने 5 महीने 6 महीने काम करते हो तो फिर एक अच्छा खासा अमाउंट आपके पास में जमा रखता है। अब योजना की पात्रता जान लेते हैं। आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी तरह से वो बाहर का नागरिक नहीं होना चाहिए, केवल इंडियन लोगों के लिए ही इस योजना को लाया जा रहा है। तो ये तो लगभग सभी भारतीयों के पास भारतीय नागरिकता है ही, तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट तो पक्का ही होगा, आपका आधार कार्ड, आपका हो सकता है आपसे नागरिकता का प्रमाण मांगा है तो आप ये दे सकते हो। आवेदक किसी विश्वकर्मा समुदाय से संबंधित होना चाहिए, यानी कि यदि आप इस जो कैटेगरी बताई गई है, 18 कैटेगरी बताई गई है, उन 18 कैटेगरीज के अंदर काम करने वाले लोग ही होना चाहिए। कोई बाहर का पर्सन या कि कोई ऐसा पर्सन जो अभी फिलहाल काम नहीं कर रहा है, इस तरह के 18 कामों में से किसी भी तरह का काम नहीं कर रहा है, तो ऐसा पर्सन, ऐसा व्यक्ति इस योजना के तहत पात्र नहीं माना जाएगा। आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, 50 वर्ष से कम होना चाहिए, यानी कि उसकी आयु 18 से 50 के बीच होना चाहिए तभी उस योजना के तहत पात्र माना जाएगा। अब जान लेते हैं कि जरूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है और शर्तें क्या क्या है। आवेदक की उम्र 18 साल से अधिक होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए, ये बात हमने अभी देख ली है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास एक पहचान पत्र होना चाहिए, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पैन कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए कि आप कहाँ रहते हो, के बाद मोबाइल नंबर, जाति प्रमाण पत्र, और यदि जाति प्रमाण पत्र तो होना ही चाहिए और ये ओबीसी कैटेगरी का आएगा। यदि आपके पास जाति प्रमाण पत्र नहीं भी है तो फिर आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप यही काम करते हो। के बाद आपके पास में बैंक अकाउंट के लिए एक पासबुक होना चाहिए और पासपोर्ट साइज फ़ोटो होना चाहिए।
कुल मिलाकर पीएम विश्वकर्मा योजना एक महत्वाकांक्षी योजना है जो पारंपरिक कौशल को बढ़ावा देने और भारत में रोजगार के अवसरों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रखती है। योजना के सफल कार्यान्वयन से विश्वकर्मा समुदाय के लोगों को अपने कौशल को विकसित करने और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी। तो एक बड़ी योजना है। कैसे होगा रजिस्ट्रेशन? तो पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकता है। यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो फिर आपको घर बैठे ही आप आवेदन कर सकते हैं। आपको सीधे ही सूक्ष्म लघु और मध्यम मंत्रालय यानी कि एमएसएमई की वेबसाइट के ऊपर आपको जाना है। डायरेक्टली वहां पर अप्लाई ऑनलाइन का बटन रहेगा, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है। आपके पास में इसके लिए ई श्रम कार्ड होना भी जरूरी है। एक और बात जो मैं आपको बताना भूल गया कि आपके पास में ई श्रम कार्ड भी होना चाहिए। तो आप पहले तो ऑनलाइन ही ई श्रम कार्ड बना लीजिए। आपको लगभग 5 से 10 मिनट के अंदर ई श्रम कार्ड बन जाएगा और ई श्रम कार्ड नंबर यहाँ पे लगने वाला है, ये भी आपको डाल लेना है। जैसे आप ई श्रम की वेबसाइट के ऊपर जाओगे वहाँ पर आपको सीधा ऑप्शन दिखाई देगा न्यू लेबर या फिर न्यू अप्लाई अप्लाई फॉर न्यू। तो आपको वहाँ पर जो है सीधा अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आपका पहले ई श्रम कार्ड बन जाएगा, उसके बाद आपको एमएसएमई की वेबसाइट के ऊपर आना है और सीधे ही अप्लाई कर देना है। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो फिर आपको जिस जिले में आप रह रहे हो उसके उद्योग और उद्यम कार्यालय में आपको आवेदन जमा करना होगा। लेकिन आपके लिए आसान तो यही है कि आप एमएसएमई की वेबसाइट के ऊपर जाकर डायरेक्टली फॉर्म को सबमिट कर दो। तो उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपकी पात्रता देखी जाएगी और यदि आप पात्र पाए जाते हो तो फिर आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा, आपको सूचना दे दी जाएगी और आपको उसके हिसाब से जो भी ट्रेनिंग तय की जाएगी आपको उस ट्रेनिंग को कर लेना है। आपको 500 रुपये रोज के हिसाब से स्टाइपेंड भी मिलेगा और उसके बाद 15,000 को टूल किट मिलेगा और उसके बाद सर्टिफिकेट भी मिलने वाला है। और सर्टिफिकेट के बाद आपको एक आईडी कार्ड भी मिलेगा जिससे कि आपको रोजगार में सहायता भी मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करके इसका लाभ उठाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।